हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुल फिटनेस ऑफिशियल। दोस्तों, एक और अच्छी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ, पर उससे पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस लाल कलर के बटन को तोड़ दो, उससे एक घंटी निकलेगी, उस घंटी को बजाओ, आपको मजा आएगा और ये मजा मैं सारे देशवासियों को देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, छोटी बच्ची हो क्या, एक बार में समझ नहीं आता, अरे कैमरा देखते ही मेरा वो करेक्टर चेंज हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको अब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना होगा ताकि वो भी इस घंटी का मजा ले सके। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, उससे आपको पता चल गया होगा कि आज हम हेल्थ फार्म का जो आइसोलेट प्रोटीन है उसका रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, हेल्थ फार्म ने मेरे को कुछ फ्री सैंपल्स भेजे थे, फिर मैंने एक शॉर्ट्स बनाई थी कि भाई मैं हेल्थ फार्म ने मेरे को फ्री सैंपल्स भेजे हैं, पहले मैं इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट कराऊंगा और जो भी लैब टेस्ट रिपोर्ट में आएगा वो ऐसे का ऐसा रिव्यू सेम ओरिजिनल आप लोगों को दूंगा। तो कुछ तो मैं जो है लैब रिपोर्ट जो सैंपल भेजने में लैब में काफ़ी लेट हो गया था, फिर लैब रिपोर्ट भी आ गई, मैं उसको कलेक्ट करने में मैं थोड़ा बिजी था, वहाँ पे मैं लेट हो गया, तो ये वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई। और अभी भी ये वीडियो मैं थोड़ा और लेट बनाने वाला था क्योंकि जो अभी मैंने जो हेल्थ फार्म का लॉट ऑर्डर किया था वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है क्योंकि लॉट मैंने लेट ऑर्डर किया और अभी तक मेरा लॉट बीच में ही फंसा हुआ है। तो मैं सोच रहा था जब मेरे पास हेल्थ फार्म के बॉक्स आ जाएंगे तो मैं उसको लेके ही वीडियो रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, बट काफ़ी सारे लोगों ने बीच में कॉमेंट कर दिया भैया रिपोर्ट कहाँ है, भैया रिपोर्ट कहाँ है, भैया रिपोर्ट का क्या हुआ। तो मैं सोचा एक एक लोग को कॉमेंट करने से बढ़िया मेरे पास सैंपल थे ही और मेरे पास अभी भी सैंपल बचे हुए हैं। ये देखो हेल्थ फार्म का आइसो जीरो, ठीक है। तो मैंने देख ही लिया सब कुछ और लैब रिपोर्ट अपने पास आ ही गई है, तो सारी चीजें तो रिव्यू बना ही देते हैं कि इसलिए लोगों को डाउट में रखना। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे कि हेल्थ फार्म आइसो प्रो जीरो प्रोटीन में कंपनी हमें क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू क्लेम करती है और फिर बात करेंगे कि लैब रिपोर्ट क्या कहती है, कि लैब रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी जो न्यूट्रिशन वैल्यू क्लेम करती है वो सही है या गलत है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। अब बात करते हैं कि कंपनी इस प्रोटीन में कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू क्लेम करती है। कंपनी क्लेम करती है 100 ग्राम की वैल्यू में आपको 78 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 9.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और लगभग 1 ग्राम के करीब आपको फैट मिलेगा। बाकी जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो भी बॉक्स के पीछे लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लेना। मैं सारी न्यूट्रिशन प्रोफाइल यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दूसरी चीज कंपनी यहाँ पे कहती है कि हमारा सर्विंग साइज जो है वो 32 ग्राम का है, जो मैंने मेजर किया है अपनी वेइंग मशीन पे जो एकदम सही है, इस पाउच के साथ इसका वेट 34 ग्राम मिला, तो ये 32 ग्राम जो इनकी साइज स्कूप है वो बिल्कुल सही मिला है। बाकी मैक्सिमम कंपनियों को मैंने देखा है कि वो अपनी सर्विंग साइज बॉक्स पे मेंशन करते हैं 30 ग्राम, 32 ग्राम, 34 ग्राम और उनका सर्विंग साइज जब हम वेइंग मशीन पे करते हैं तो वहाँ पे मिलता है 45 ग्राम, 44 ग्राम। तो उसके नुकसान क्या होते हैं दोस्तों, एक तो आपकी प्रोटीन वैल्यू कम हो जाती है, जो परसेंटेज है प्रोटीन का वो कम हो जाता है पर स्कूप के हिसाब से। दूसरी, आपकी जो काउंट ऑफ स्कूप है, जैसे कोई कंपनी आपको 60 स्कूप दे रही है तो उसकी स्कूप की काउंटिंग कम हो जाती है, बट यहाँ पे आपको 62 ग्राम स्कूप कंपनी क्लेम करती है तो आपको 62 ग्राम स्कूप्स ही मिलेंगी क्योंकि इनका सर्विंग साइज एकदम करेक्ट है। तीसरी अच्छी चीज़ इस प्रोटीन की मुझे ये लगी, इस कंपनी की मुझे ये लगी कि इन्होंने पूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल, मैक्सिमम कंपनियां क्या करती हैं कि वो क्या है एक लेबल लगा देती हैं हर प्रोटीन के ऊपर कि यहाँ पे हम 5 ग्राम BCAA दे रहे हैं, 4 ग्राम EAA दे रहे हैं, ग्लूटामाइन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बट वो एक अलग अलग अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल मेंशन नहीं करते हैं। बस यहाँ पे हेल्थ फार्म ने अलग अलग अमीनो एसिड, जितने भी एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स होते हैं यहाँ पे अलग अलग एक एक करके मेंशन किया हुआ है कि पर स्कूप में आपको कितना मिलता है। तो दोस्तों, हेल्थ फार्म की अच्छी चीज़ यही है कि इन्होंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को बॉक्स के पीछे छापा हुआ है, लोगों में ट्रस्ट बनाने के लिए अपने इंग्रेडिएंट्स को दिखाना बहुत अच्छी बात है। तो अब हमने देख लिया कि कंपनी हमें क्या क्या क्लेम करती है, अब हम बात कर लेते हैं लैब रिपोर्ट की। दोस्तों, यहाँ पे लैब रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप वीडियो को रोक के इसको आराम से देख लेना कि कंपनी ने जो क्लेम किया है वो एकदम सही मिला है। कंपनी 78 ग्राम प्रोटीन क्लेम करती है, यहाँ पे भी आपको 78 ग्राम प्रोटीन मिला है, 9.9 ग्राम कार्ब, बाकी सारी चीज़ें भी एकदम सही मिली हैं। मेरे हिसाब से ये काफ़ी सही चीज़ है कि आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू कंपनी क्लेम करती है और लैब रिपोर्ट के साथ वो काफ़ी मैच करती है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पैसे लगाने में कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, अब सारी चीज़ें आपने देख ली कि लैब रिपोर्ट और कंपनी क्लेम दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों सही है। तो अब आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये प्रोटीन खरीदना है तो क्यों खरीदना चाहिए, क्यों यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए। दोस्तों, एक आइसोलेट प्रोटीन, आपको पता है हाई क्वालिटी, हाई डाइजेशन, लीन मसल के लिए बेस्ट प्रोटीन होता है।
तो अगर आप किसी इम्पोर्टेड कंपनी का आइसोलेट प्रोटीन खरीदते हैं तो उन लोगों ने क्या किया हुआ है, मार्केट में इतना ट्रस्ट कमाया हुआ है, तो वो प्रोटीन आपको 7,000 से 8,000, 10,000 रुपए के वही सेम इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे जो मिल रहे हैं वही आपको मिलेंगे, क्योंकि वो प्रोटीन बाहर से इंपोर्ट होकर आता है, एक्साइज ड्यूटी, ये ड्यूटी, फिर 10 लोग बीच में हो जाते हैं, इंपोर्टर, रिटेलर, सब मिला के उसमें सबको मार्जिन चाहिए होता है, तो वो प्रोटीन आपको पहुँचते पहुँचते बहुत महंगा हो जाता है। अब ये एक इंडियन ब्रांड है, इंडियन कंपनी है, सीधा आप कंपनी से भी मंगवा सकते हो, तो आपको डायरेक्ट किसी का बीच में मार्जिन नहीं रहेगा, और आपको प्राइस के मामले में मेरे ख्याल से इसकी MRP रहती है 7,500 के करीब इसकी MRP है, ये आपको मुश्किल से 4,000 से 4,500 के बीच में आइसोलेट प्रोटीन 2 kg विद लैब रिपोर्ट हाईली मतलब एक हाई क्वालिटी का आइसोलेट प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप इंपोर्टेड यूज़ कर रहे हो कि इंडियन यूज़ कर रहे हो, मेरे को, मैं कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट मेरे को जो लगा मैंने वो वीडियो आपके सामने बना दी, तो आपको सब कुछ मैंने बता दिया, लैब रिपोर्ट दिखा दी, बाकी चीज़ें क्या क्या मिल रही है प्रोटीन में, कंपनी क्या क्लेम कर रही है, सब कुछ दिखा दिया। अब मैं लास्ट में आपको प्रोटीन की मिक्सेबिलिटी और फ्लेवर दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देख लीजिए आपके सामने ही जो मैंने इस पाउच को इसमें डाल रहा हूँ बिल्कुल, और ये फ्लेवर है आपका कोकोनट आइसक्रीम। पर्सनली ये फ्लेवर मेरे को सबसे अच्छा लगा, आप एक बार ट्राई कर लेना कोकोनट आइसक्रीम, बाकी काफ़ी सारे फ्लेवर्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बट ये फ्लेवर मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अब इसको मैं पी लेता हूँ, 2 मिनट रखना पड़ेगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने बता दिया है। तो इस प्रोटीन के लिए आप जा सकते हो, कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बजट में है, अच्छा प्रोटीन है, आइसोलेट है, लैब रिपोर्ट मैच ही कर रही है, फोम का कोई इशू नहीं है कि फोम क्रिएट हो रहे हैं, थोड़ा बहुत ब्लोटिंग का इशू हो सकता है वो किसी किसी को, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, मेरे को प्रोटीन भी पीना है, तो आप वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर कर देना और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगती है, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो चीज़ भी मेरे को बता दिया करो। आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, बुल फिटनेस ऑफिशियल सेम नाम से अकाउंट है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है दिन रात 24 घंटे अवेलेबल है आपका भाई, तो कभी भी मैसेज करो, कमेंट करो, कुछ भी पूछो। बाकी कभी कभी बीच में बिजी हो जाता हूँ, वीडियो लेट आती है, तो उसके लिए माफ़ कर देना, सॉरी। तो कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो डालता रहूँ, जो भी आपका अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ, कुछ अलग चीज़ स्टडी बेस्ड, रिसर्च बेस्ड आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो आप लोग भी टॉपिक सजेस्ट कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। तो तब तक मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।